अनतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतुविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उत्तरकांड को इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री राम जी के नाना प्रकार कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, संत पुरुष उन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। ये गुरु ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ पूछता है वह सब सुखान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। मतलब क्या है? एक पर्वत है, अब पर्वत के किस कोने में मणि है ये तो हमें पता नहीं। अगर हम खोजना शुरू करें एक तरफ से और मणि निकले दूसरी तरफ तो बहुत सा समय व्यर्थ बीत जाएगा। अगर हमें कोई बता लेता है कि इस स्थान पे मणि पड़ी है तो आप जाके सीधा मणि को निकाल लोगे तो आपको जरा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि संत पुरुष कौन है वो जानते हैं और वो हमें बताते हैं कि मणि किधर है। तो कहते हैं जो प्राणी उसे प्रेम का खोता वो सब सुखान उस भक्ति रूपी मणि को पाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। वो कैसे? श्री रामचंद्र समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। मतलब क्या हो गया? समुद्र का पानी खारा है, कोई उसे पी दे सकता डायरेक्टली, लेकिन बादल क्या करते हैं उसी पानी को लेते हैं, मीठा करते हैं, यानी कि केवल जिधर समुद्र है उधर ही बस गिराएंगे, या तो जो शहर जो समुद्र किनारे है तो पूरे भारत में या सब जगह वो पानी बरसाते हैं। उसी प्रकार साधु संत मेघ है, उस पे कथा अपने आप लोगों को समझना आसान नहीं है। उस कथा में से अपने भाव को डालते हैं, मीठा करते हैं और पूरे विश्व में उसको बांटते हैं कथा को। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन, क्योंकि चंदन का वृक्ष तो साउथ इंडिया में ही दिखाई देता है, लेकिन पवन तो कैसे खुशबू दूर दूर तक लेके जा सकती है। तो संत लोग है भगवान की कथा तो दूर दूर तक पूरे विश्व में फैलाते हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। मंदिर जाना, जप करना, कथा सुनना, तीर्थ करना, साधु की सेवा करना, सबका फल क्या है? हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने पाया। हमेशा भक्ति संत के माध्यम से ही मिलती है। वो आपको आपकी कथा भाव के द्वारा कुछ समझाते हैं। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करते गुरु जी उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदिर चल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसे भक्ति रूपी मधुरता बसी हुई है। तो मेरे कहा समुद्र का पानी खा रहा है तो कहते वेद समुद्र है और समुद्र को जैसे मथने से पहले विष निकला था बाद में अमृत निकला था। तो ज्ञान मंदिर चल है और संत देवता है। तो संतों ने क्या कथा को मथा और संत वेद को मथा, वेद को मथने से कथा रूपी अमृत निकला, यानी कथा भगवान की कथा ही अमृत है, जो सब इसका पान कर सकते हैं। जैसे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त कर है वह हरि भक्ति ही है। तो मतलब क्या है? हमने
वैराग्य से अपने आप को बचाना है और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह इनका वध करना है, तो कहते हैं वह हरि भक्ति पक्ष है। इसे विचार कर देखिए। पक्षीरा गुरु जी फिर प्रेम से बोले, कृपालु यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्न के उत्तर बखान कर कही। हे नाथ हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार का संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात अत्यंत आदर के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर धारण कर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ में फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं। कौन सी दरिद्रता? मोह रूपी दरिद्रता। तो संसार में मोह रूपी दरिद्रता यानी धन के अभाव में जरूरी नहीं कि हम दुखी हो। तो जिसके जीव में जितना ज्यादा मोह होएगा वो उतना ही दुखी होएगा। तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों के संत क्या देते हैं? क्या संत आपको धन देते हैं? नहीं। संत क्या देते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम देते हैं आपको। और हे पक्षीय, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। तो संत किस प्रकार परोपकार करते हैं? कथा और जाप के द्वारा, नाम का प्रचार करके। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते अपनी खाल तक उदड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए आपकी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट का स्वभाव है कि मुझे दुख मिले चलेगा, लेकिन मैंने सबको दुख पहुंचाना है। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। यानी हर वक्त किस प्रकार दूसरे का बुरा हो यही उनके दिमाग में चलता है। वे प्राय संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ओले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो गिरते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को तबाही करते हैं, आबाद में नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार दुष्टों का स्वभाव इसी प्रकार का आता है, स्वयं तो नष्ट होते ही होते हैं, दूसरे को भी नष्ट कर देते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध आदम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। मतलब क्या होता है? जब दुष्ट बढ़ते हैं
तो पीड़ा पहुंचती बढ़ती है, और संत का जब अभ्युदय होता है यदि बढ़ते हैं तो संसार में सुख पहुंचता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म माना है, अपर निंदा के समान भारी पाप नहीं। अहिंसा को परम, अहिंसा मतलब हमें मन वाणी और शरीर से हिंसा नहीं करनी। शरीर से हिंसा करते हैं मांस खा के, वाणी से हिंसा करते हैं कठोर वचनों के द्वारा, मन से हिंसा करते हैं द्वेष के भाव रखे, और चौथी जो हिंसा होती है वो आत्मा की हिंसा होती है। मतलब कैसे कि आपको कोई शंका आई है, आप मुझसे पूछते हो, मैं नकली दीनता दिखाता हूँ, जबकि दीनता नहीं, मैं नकली दीनता दिखाता हूँ, और क्या होता है आप गलत लोगों से मुझे सही प्रश्न का सही उत्तर आता है प्रश्न का, लेकिन मैं नकली दीनता दिखा के उसका उत्तर नहीं देता हूँ। मैं उत्तर नहीं देता हूँ, और क्या होता है आप गलत लोग से जाके पूछते हो, गलत लोग से जाके पूछने का परिणाम क्या होता है कि आप गलत काम करते हो, तो मैं आपकी आत्मा का हत्यारा ही तो हुआ। इससे कहते हैं आर्टिफिशियल दीनता भी अच्छी नहीं है। तो वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, और वह 1,000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। जो शिव जी की और गुरु के संत की निंदा करता है वो अगले जन्म में उसे मेंढक का शरीर मिलता है, और 1,000 जन्म तक उसको उसी शरीर में रहना पड़ता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। यानी यहाँ पे ब्राह्मण यानी प्रभु के भक्तों की निंदा करने का कुपरिणाम क्या होता है, उसको नरक में जाना पड़ता है, और बहुत से नरक भोगने के बाद वो कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। ऐसे कौवे क्या क्या करते हैं, वो व्यर्थ की ही बातें करता रहेगा। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरक नरक में पड़ते हैं। नहीं, देवताओं और वेदों की निंदा करते हुए रौरक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती। क्यों कहते कि वो उल्लू होते हैं? जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात को ही दिखाई देता है, उसी प्रकार संत की कृपा से हमारा अज्ञान और अंधकार का नाश होता है। तो हम क्या करते हैं, जब संत की निंदा करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए, भगवान के नाम प्रचार में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उसका कुपरिणाम क्या होता है, हम हमेशा उल्लू की तरह अज्ञान में रहते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है, पता नहीं कितने साल, हजारों साल, कितने जन्म आपको इस प्रकार रहेगा। क्योंकि तो संत की निंदा का कुपरिणाम, संत आपको ज्ञान देते हैं, संत आपको समझाते हैं, सही मार्ग पे लाते हैं, आप संतों की ही निंदा करोगे तो आपके जीवन में कभी भी ईश्वरीय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करता है वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। यानी सबकी निंदा, दुष्टों का स्वभाव है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या के कारण निंदा करना, हरे की निंदा, तो उसके क्या गति होती है, जो मरने के बाद चमगादड़ बन, चमगादड़ आप जानते हो, जिसे बैठ कहते हैं, रात को क्या क्या करते हैं, तो वो चमगादड़ होते हैं। सबकी निंदा का कुपरिणाम यही तो होता है। हेतात आप मानस रोग सुनिए, जिनसे लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर आप बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। तो मूल में क्या है, मानस रोग का अज्ञानता ही है। काम वात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, काम की तुलना किससे की गई है, वात से। लोभ की तुलना, लोभ का अपार शब्द लगाया गया, उसकी तुलना की गई कफ से, और क्रोध की तुलना की गई पित्त से। जैसे आपके शरीर में जब वात बढ़ जाता है तो जोड़ों की दर्द हो जाती है, तो क्या करता है डॉक्टर,
करके उसको नष्ट करता, उसको संतुलित करता है। बात की जरूरत होती है हमारे शरीर में, कफ बढ़ जाता है तो कफ पड़ता है, इंसान खांसता है लेकिन बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है तो क्या करता है, कफ को नष्ट करता नहीं, उसको संतुलित करता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है तो इंसान को जलन होती है, तकलीफ होता है, क्या वो पित्त को खत्म करता है? नहीं, उसको रेगुलराइज करता है। मतलब क्या कि इन तीनों की आवश्यकता है, लेकिन एक भी अतिरेक हो जाता है तो आपके शरीर में पीड़ा होती है, आपको बुखार भी चढ़ सकता है या अस्त व्यस्त हो सकते हो। तो इनकी तुलना काम क्रोध और लोभ से की गई है। तो इन तीनों की आवश्यकता है हमको, यानी कि काम क्रोध और लोभ की नहीं। बगैर कामना के इंसान क्रिया नहीं कर सकता, बगैर लोभ के इंसान धन नहीं कमा सकता, बगैर क्रोध के बुराई का नाश नहीं कर। फिर इसकी निंदा क्यों की गई है? इन्हें स्वीकार करके त्यागना एक चीज होती है, इनके अधीन होना दूसरी चीज होती है। हम इनके अधीन हो जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम इन्हें स्वीकार करके, जैसे आप दुकान से घर आए या ड्यूटी से घर आए तब भजन करो, अगर तब भी आप बिजनेस का चिंतन करोगे या ऑफिस का चिंतन बना रहेगा तो इसके क्या होएगा, आपने लोभ को सिर पे चढ़ा लिया है। पैसे का चिंतन करो, बिजनेस का चिंतन करो, तो काम ने तो किया, कार्य होने के बाद काम ना छोड़ दो, लेकिन हमने काम अब ये करना, अब वो करना, और करना और करना है, तो उसको सिर पे चढ़ा लेते हैं। क्रोध, क्रोध की जरूरत है भी, जो कोई गलत काम कर आपने क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाने के बाद वो सही मार्ग पे आता है तो क्रोध का त्याग कर दो। बस मैंने क्रोध किया, मुंह चढ़ा लेना है, मेरे मुंह से निकला, मैंने मारना, मैंने मार के ही रहना है, ये तो क्रोध का दुरुपयोग होता है। कोई भी चीज जब अतिरेक हो जाती है तो वो आपको पीड़ा ही पहुंचाती है। तो जब वात कफ और लोभ ये बढ़ जाते हैं तो शरीर की हालत खराब हो जाती है, जोड़ों की दर्द, पित्त एसिडिटी बढ़ जाती है, कफ बढ़ जाता है, तो आदमी बहुत हालत खराब होती है। उसकी तुलना काम क्रोध और लोभ से की गई है। जब काम क्रोध और लोभ तीनों का अतिरेक हो जाता है तो इंसान व्यर्थ की बात ही तो करता है, वो सही बात कभी कर ही नहीं सकता। और हम सबके जीवन में सबको इनका अतिरेक ही है, यही कई ये तीनों बात पे तो कफ प्रीति कर ले तो दुखदायक संधिपात रोग उत्पन्न होता है। जब बुखार सर पे चढ़ जाता है तो इंसान व्यर्थ की बात करता है। तो काम क्रोध और लोभ का अतिरेक होने से इंसान व्यर्थ की बातें ही तो करता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विश्व के मनोथ है वही सब शूल कष्टाय क्रोध है, उनके नाम कौन जानता है? यानी संसारिक जो विषय के कामना हमारे अंदर है और ये बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। क्रोध का कारण एक ही है, मेरे कामना में विघ्न पैदा करना, इससे ये क्रोध का कारण है। दुख का कारण क्या? मेरी अटैचमेंट संसारिक वस्तुओं के प्रति, और मेरी अटैचमेंट इतनी है कि कोई मेरे मन के अनुसार नहीं चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है, और फिर और मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ईर्ष्या के कारण भी तो हम निंदा करते हैं, वो मेरे से श्रेष्ठ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई मुझसे आगे बढ़े मुझसे सहन नहीं होता तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये हमारे मानस रोग की विशेषता है कि हम कितने बड़े रोगी हैं, प्रसन्न होने के बजाय अपने आप को स्वयं आगे बढ़ाने के बजाय, चल मैं भी प्रयास करके आगे बढ़ूं, हम आगे बढ़ना चाहते नहीं, उसका निंदा करके उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सब मानस रोग के अंतर्गत आता है। इसलिए कहते जब तक भगवत कामना उत्पन्न नहीं होगी संसारी कामना खत्म नहीं होगी। भगवान के प्रति प्रीति जब तक नहीं बढ़ेगी संसारी आसक्ति घटने वाली नहीं है, इंसान न शांत कभी शांत नहीं हो सकता। तो कहते कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विश्व के मनोरथ है ये कठिनता से प्राप्त होते हैं। आपकी कामना जरूरी की हर पूरी होगी नहीं होती है। तो कहते हैं ये वे ही सब शूल कष्टायक रोग है, उनके नाम कौन जानता है? अर्थ व्यापार है, ममता दाढ़ है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है। तो मैं कि इनकी तुलना आयुर्वेदिक रोग से की गई, क्या हमारे ममता नहीं है? उसकी तुलना दाढ़ से की गई है। ईर्ष्या क्या हमारे में ईर्ष्या नहीं, उसकी खुजली की गई है। लगता है खुजली करने से अच्छा लगता है लेकिन वो और वो रोग फैलता है शरीर के अंदर। उसी प्रकार ईर्ष्या के कारण जब हम निंदा करते हैं हमें अच्छा लगता है, ये नहीं पता कि हम और रोगी होते जा रहे हैं। हर विषाद गले के रोग की अधिकता है, इसे गलडंड कंठ माला या घेगा आदि रोग है।
प्राय सुख को देखकर जो जलन होती उसे सही कहते हैं। टीबी, टीबी में क्या होता है, शरीर नष्ट होता है। जो हमें प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है, दूसरे की उन्नति से हमें जो ईर्ष्या के भाव होते हैं, उससे हमारा शरीर यानी हमारा मन बिगड़ता जाता है, उससे टीबी से तुलना की गई है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है, किस प्रकार मैं दूसरे का बुरा करूं। और मन में कुटिलता रखना, बुरा सोचना हर वक्त हरेक का, इसकी तुलना कोड़ लेप्रसी से की गई है। अहंकार, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। जब गांठ पड़ जाती है तो कितनी तकलीफ हो जाती है शरीर के अंदर, कितनी पीड़ा होती है, अहंकार वैसा ही है। अहंकार आता है तो शरीर को बहुत तकलीफ देता है। अहंकारी इंसान कभी कोई चीज सहन नहीं कर सकता। मेरी हा में हा करो, मेरी प्रशंसा करो या मेरी प्रशंसा सुनो, मैं किसी और की प्रशंसा सुन नहीं सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप मेरी प्रशंसा नहीं, मेरी अपने मुख से आपकी प्रशंसा खुद करूंगा, वो प्रभु के गुणगान तो करता नहीं है ये, और नहीं जापे होते, उसका दिमाग खराब होता, पागल हो जाता है। ये अहंकार की तुलना डमरू से गांठ के रोग से की गई है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। जो हम नहीं है वो दिखाने का हम प्रयास करते हैं, आर्टिफिशियल बनने का प्रयास करते हैं, जिसे कहते हैं दंभ, कपट, बोलना कुछ करना कुछ, और मद, श्रेष्ठता का नशा। इनकी तुलना नसों के रोग से की है। नसों में जब तकलीफ होती, क्या हालत हो जाती है, एक नस दब जाए तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस या बैक एक होती है, जो अंदर एक नस दब जाती, एक नस, इंसान के पूरा शरीर हालत खराब हो जाती है। उसको MRI तक करवाना पड़ता है, कई बार सर्जरी करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। तो कहते क्या हमारे जी में दम्भ, कपट, मद और मान की कामना नहीं है, ये नसों का रोग ही तो है। तृष्णा, बड़ा भारी उदर वधि जलोदर रोग है, पेट का रोग। जैसे और दो खाता थे, जब लगता है कि अभी मैंने खाया नहीं और भूख है, तृष्णा और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए। काश ये लोभ होता, और कथा सुनो और जाप करो। जब ये तृष्णा हो जाएगी और कथा और जाप की, संसारिक तृष्णा अपने आप खत्म हो जाती है। और ये तृष्णा तब उत्पन्न होती है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तभी ये उत्पन्न होगी। बगैर भक्तों का संग करें, भगवान की कथा सुने, उन भक्तों का जो भजनशील है उनका संग करना पड़ेगा, नाम जप का संग करना पड़ेगा। क्योंकि सबका फल क्या, नाम में रुचि होना, सारे पुण्यों का फल एक ही, नाम में रुचि होना, क्योंकि नाम दवाई की तरह है। तो कहते हैं तृष्णा बड़ा भारी उदर जलोदर रोग है। वैसे तो मनुष्य के अंदर अपार कामनाएं होती हैं, तीन तो बहुत ही प्रबल है। कौन से तीन पर, पुत्र की, धन की और मान की। मुझे पुत्र ही चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कोई पूजा पाठ किधर जाए उधर जाए, सिर्फ होते ये करो, पैसे हजारों लाखों रुपए खर्च करे, मुझे पुत्र ही चाहिए। धन चाहिए, धन के लिए हम किसी का भी वध करने को तैयार हो जाते हैं, बस मुझे उसकी वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। और मान, लोग मुझे अच्छा कहे, अच्छा समझे। भैया ये संभव नहीं है कि हर बंदा आपको अच्छा मानेगा और समझेगा, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग लेवल होता है, हर बंदा अपनी दृष्टि से ही दूसरे को देखता है। किसी के लिए अच्छे हो सकते हो, किसी के लिए बुरे हो सकते हो, किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हो, किसी के लिए बहुत बुरे हो सकते हो, ये चलता ही रहेगा। हमारा मापदंड पब्लिक ओपिनियन नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, हमारा स्टैंडर्ड गीता, रामायण, भागवत है, नॉट पब्लिक ओपिनियन। हमको किसी से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना नहीं है। जो करेक्टरलेस लोग हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, लोगों को किसने अधिकार दिया है हमको जज करने का? आप किसने अधिकार दिया लोग को हमको बारे में जज करने का? और हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरा मन कृष्ण में नहीं है, संसार में है, मैंने मन लोगों को दिया हुआ है, इससे तो मैं प्रभावित हो रहा हूँ, उनकी बातों को महत्व दे रहा हूँ, उसका चिंतन कर रहा हूँ, उसको हृदय में रख रहा हूँ और रिपीट करो, कीर्तन करो, गलपता जा रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं बहुत ज्यादा रोगी हूँ। काश मैंने प्रभु के वाक्यों को, संतों के वाक्यों को हृदय में रखा होता, प्रभु का चिंतन किया होता, तो मुझे चीज अफेक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने आप को सुधारना है, किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं है। जीव स्वयं सुधर जाए, ये इससे बहुत बड़ी बात है।
तो कहते हैं तीन तो बहुत ही पुत्र धन मान की प्रबल इच्छा है, प्रबल तिजारी है, मत्सर अवयु दो प्रकार के ज्वर है। मत्सर हम जब बर्दाश्त नहीं होता दूसरे का वो आगे बढ़ना, और अविवेक सही विचार नहीं होना, ये दो ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग है जिन्हें कहा तक कहो, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते तो ये तो बहुत से असाधारण रोग है। एक भी रोग जैसे जो पित्त बढ़ गया तो हालत खराब होती है, वात बढ़ जाए तो हालत खराब हो जाती है हमारी, तो आप देखोगे कफ बढ़ जाए तो भी हालत खराब हो जाती है, नसों का रोग हो जाए तो हालत खराब हो जाती है हमारी, ईर्ष्या तो हालत खराब कर देती है, जलन होती है तो हालत खराब, तो एक ही रोग के कारण हम बीमार हालत खराब हो जाती है। तो अगर सारे रोग एक साथ हो जाए तो सोचो हमारी क्या स्थिति होगी, सोचो हमारी क्या स्थिति होगी सारे रोग हमको अगर एक साथ हो जाए तो एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे को कैसे प्राप्त करें। नियम धर्म आचार यानी उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां, परंतु हे गुरु जी उनसे रोग नहीं जाते। यानी रोग अगर दबते हैं लेकिन जड़ समेत नहीं होते, पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये है, हो सकता है थोड़े दब जाए लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति अवियोग से दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। तो आज लोग कहते हैं कि संसार में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर डिप्रेशन ये सारी चीजें बढ़ रही है, तुलसीदास जी तो 500 साल पहले कहते हैं संसार के समस्त प्राणी रोगी है। कौन सा प्राणी जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ अहंकार प्रतिष्ठा की कामना मान की कामना ये सारी चीजें ना हो, उसका परिणाम क्या, वो शोक हर्ष भय प्रीति अभियोग से दुखी हो रहा है। ये 500 साल पहले उन्होंने घोषणा की सारे प्राणी रोगी हैं। हाँ ये बात अलग है कि भजन से किसी में कम हो सकता है किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन है सब, इनका इलाज क्या है, मैंने थोड़े से मानस से रोग कहे ये है सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही, कोई विरला ही है जो इनको जान पाएगा। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान दिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। जान लेने से क्या होगा, रोग कम हो सकता लेकिन नष्ट नहीं होते। आपको पता है आपको बुखार है या आपको ये बीमारी लगी है तो क्या इसका मतलब कि आप इलाज हो गए, पहले तो हमें पता ही था कि हम रोगी हैं, पहले तो प्रॉब्लम ये थी, एटलीस्ट ज्ञान होने से ये तब पता चला कि हम रोग आए। ज्ञान यानी लाइट, लाइट ऑन करते हो तो टेबल कुर्सी सोफा किधर पड़ा हमें दिखाई देता है, तो हमको अपने रोग कमियां दिखाई देनी शुरू ज्ञान उत्पन्न होने से। फिर कहते हैं लेकिन वो ज्ञान होने से नष्ट नहीं होते, विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। कुपथ्य का मतलब होता है जैसे जिसका गला खराब है उससे आप बर्फ का पानी या डोला खिलाते हो वो कुपथ्य होगा, जिसको डायबिटीज उसको मीठा खिलाओगे उसके लिए कुपथ्य होगा। तो कहते हैं विषय रूपी कुपथ्य पाकर संसार की वस्तु जब मिल जाती है, विषय वस्तु मिल जाती है, ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारा साधन मनुष्य की तो क्या चीज है। तो कहते साधन तो की तो दूर की बात, मुनियों के अंदर भी ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि श्री राम जी कृपा से इस प्रकार संजोग बन जाए तब ये रोग नष्ट हो जाए। अब बता रहे हैं असली सोल्यूशन क्या है, पहले बताए मानस रोग क्या होते हैं और ये भी बताया कि सबके अंदर मानस रोग है। अब यह कि हम माने नहीं माने वो हमारे ऊपर है, अगर हर माने कि मेरे स्वीकार करके ये मेरी कमियां है, ये कथा मेरे ऊपर चल रही है, मैंने अपने आप को सुधारना है, तब तो भैया मेरे समय तो ठीक है। लेकिन हम तुरंत दूसरों में ढूंढते हैं जो भी संतों के असंतों के लक्षण बताए गए हैं एक मानस के अंदर, दूसरों में देखने के लिए नहीं बताया गया है, ये अपने अंदर बताया गया कि तुम कितने के अंदर तो संतों के लक्षण है या दुष्टों के लक्षण कितने हैं। तो दुष्टों के तो सारे लक्षण हमारे अंदर होते हैं, संत के एक का दो होंगे, 10 में से 1 या 2 सकते हैं, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। तो इससे पता चलता कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय स्थिति है हमारी। तो क्या कहते हैं पहले क्या बताया गया,
किस प्रकार वो कहना, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो। सदगुरु कौन है? सदगुरु वो होता है जिसका भगवान से कनेक्शन होता है, जिसने भगवान को रियलाइज किया होता है, जिसके अंदर भगवान का प्रेम होता है, भक्ति होता है। ऐसे गुरु का आश्रय लो, उनका विश्वास करो। वो वैद्य डॉक्टर है, डॉक्टर पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम विषयों पे विश्वास करते हैं, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, हमको उन पे विश्वास है और हम आराम से सोते हैं कि वो संभालेगा, चाहे हमारा एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। हम पढ़ते भी हैं, लेकिन संतों पे, भगवान पे विश्वास नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इंसान कई व्यापार करता है तो कितनी बार उसे धोखा खाया होता है? धोखा खाता है ना, फिर भी व्यापार करता ही है ना। ये तो नहीं कि उसे खाना भी धोखा खाता हूँ, व्यापार करना छोड़ दूंगा, वो करता ही है। उसी प्रकार हमने, ठीक है कुछ धोखे खाएंगे किसी से, इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी संत बुरे, हम संतों पे विश्वास करना बंद कर दे। इंसान फिर भी इन्वेस्टमेंट करता है, पैसों के इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? नहीं यार चलो शायद होएगा। तो अगर आप हृदय से सिंसियर हो, अगर आपके अंदर सच्ची तड़फन है, तो क्या होएगा, भगवान आपको सही बंदे से मिलाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके हार्ट के अनुसार जो चीट होना चाहते हैं उन्हीं को चीटर मिलते हैं, जो जेन्युइन होते हैं भगवान उनको कभी चीट नहीं होने देते। तो कहते उन पे विश्वास करो, विश्व की आशा न करें, यही संयम परहेज हो, यानी आश मत लगाओ, क्योंकि आशा जो है वो दुराशा पैदा करती है। हम सब पे आश लगा के बैठे हैं भगवान के अलावा, और जैसा हम चाहते वैसा होता नहीं है, तो हमारे जीवन में दुराशा थी, हम दुखी हो जाते हैं। तो गुरु क्या करेगा, कथा सुनाएगा, भगवान के प्रति विश्वास पैदा कराएगा, प्रेम उत्पन्न कराएगा, नाम में रुचि पैदा कराएगा, और आप परहेज भी बताए। डॉक्टर बोलता है क्या खाना क्या नहीं खाना, कहते विश्व की आशा ना करो, यही परहेज है। फिर आप दवाई कौन सी है, कहते श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, यानी राम नाम का जप यही संजीवनी बूटी है, यानी चैंटिंग द होली नेम, हरि नाम करना यही दवाई है। लेकिन दवाई तो आयुर्वेदिक दवाई बड़ी कड़वी होती है, तो उनको हमको शायद और घी के साथ कभी कई बार डॉक्टर कहता खा लो तो आप पचा लोगे, नहीं तो बहुत कड़वी आपसे खाई नहीं जाएगी, तो हमारा हरिनाम करने की रुचि नहीं होती है। तो क्या करें, तो कहते हैं कौन सा शायद और कौन सा घी लें, तो कहते हैं श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम दवा खाने के साथ लिया जाए मधु आदि। इसके प्रति श्रद्धा रखो, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है, इससे मेरा मंगल होगा, यही शायद है। जब श्रद्धा से हरि नाम करोगे, ये मान के कि मेरे गुरु ने दिया मेरा मंगल होगा, तो आपका डेफिनेट मंगल होएगा। अरे भैया प्रभु का नाम ही एक ऐसा, अगर वो गलत भी लिया जाए, उल्टा भी लिया जाए, मरा मरा करके, तो भी वो आपको सीधा हो जाता है। कोई वैदिक मंत्र में थोड़ी भी त्रुटि हो तो आपका सर्वनाश कर देगी, लेकिन प्रभु का नाम ही ऐसा है कि अगर उच्चारण सही भी नहीं, उल्टा भी लिया जाए, तो भी वो राम राम बन जाता है और आपका उद्धार कर देता है। तो कहते हैं कि बस इसलिए आप नाम कर, वाल्मीकि को क्या दिया गया, नारद जी ने नाम दिया, नाम जप कर। हरिदास को ने वेश्या को क्या दिया, हरि नाम दिया जप करने के लिए। मतंग मुनि ने शबरी को क्या दिया, राम नाम जप करने के लिए। क्या जगाई मधाई को क्या बोला गया, हरि नाम करने के लिए। जितने भी संत हुए हैं, हम क्या उपदेश दिया है, सबने गुरु जी ने क्या दिया, नाम जप के लिए। उन्होंने नाम जप किया, वो महानता को प्राप्त हुए। हम नहीं करते इसलिए हमको वो, हम श्रेष्ठ, हमारे अंदर सद्गुण नहीं आ रहे, हम उस स्तर तक नहीं उठ पा रहे जिस प्रकार हमको उठना चाहिए। क्योंकि कलयुग में फिलॉसफी समझना बहुत मुश्किल है, कथा भी हर लोग समझ नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है फिर भी कथा तो करनी ही चाहिए, इसका मतलब भी कथा मत करे, कथा के सुनते 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 थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। लेकिन नाम जब तो हर कोई कर सकता है, नाम क्वालिफिकेशन और प्योरिफिकेशन, शुद्धता और पात्रता दोनों प्रदान करता है कथा को समझने के लिए और हृदय में उतारने के लिए, और तीसरी आपको रियलाइज करवाता है, रियलाइजेशन देता है, अनुभूति कराता है कि क्या इसका एक्चुअल क्या करना चाहिए आपको जीवन। इसलिए नाम जब तो हर मनुष्य को करना चाहिए, रात दिन करना चाहिए।
इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रेतों से भी नहीं जाते। बहुत मानस के अंदर इतना क्लियर लिखा गया, केवल राम नाम से मानस रोग दूर हो सकते हैं, कोई पूजा पाठ यज्ञ तप मंत्रों से नहीं होंगे, एक्सेप्ट हरि नाम। इसलिए हमको हरि नाम ही करना, अगर हम अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को, मानस रोगों को दूर करना चाहते हो, लोग को डिप्रेशन है, गोले खा, तुम हरि नाम करिए, देखो कैसे ठीक नहीं होता। कथा सुनिए, साधु संघ करिए, क्योंकि नाम जप करने के लिए साधु संघ की जरूरत होती है, प्रेरणा की जरूरत होती है, बगैर साधु संघ के जीव जाप भी नहीं कर सकता। कथा की जरूरत होती है, साधु कथा सुनाते हैं, कथा से प्रेरणा मिलती तभी जाप होता है। इसलिए हमको सबसे जरूरत है साधु संघ, कथा की जरूरत होती है नाम जप बनाए रखने के लिए, विषय के विपरीत नाम जप करने की रुचि नहीं होगी, मूड फ्लक्चुएट होते, कभी ऊपर जलता कभी नीचे उतरता, कभी दिल करता खूब भजन करूं, कभी दिल करता बिल्कुल नहीं करूं, कभी मूड खराब होते हैं। इसलिए कथा सुननी चाहिए, साधु संग आपके मूड को लेवल कर लेते हैं, कथा मूड को लेवल पे ले आती है, बनाती है और आपको स्थिर करके भजन में लगाए रखती है, नहीं तो करोड़ों प्रश्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जैसे शरीर निरोग हो रहा है क्या प्रमाण है, भूख बढ़नी शुरू होगी, भूख कम लोगी तो समझो शरीर रोगी है, और भूख बढ़नी शुरू होगी समझो शरीर ठीक है। तो मन का निरोग के लक्षण क्या है, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, यानी प्रभु में प्रीति बढ़े, संसार के आसक्ति घटे, भोग की वृत्ति द डिजायर टू एंजॉय एंजॉयिंग टेंडेंसी खत्म हो जाए, तो समझो आप स्वस्थ हो रहे हो। आई वॉन्ट टू एंजॉय, तो वेन आर यू गोइंग टू सर्व, सब भोगना चाहते तो भगवान की सेवा कब करोगे। ये भोग की वृत्ति ही तो हमें संसार में बार बार डाल रही है, सेवा की वृत्ति आई नहीं रही कि मुझे भजन करके निकलना है। गो एंड एंजॉय, एंजॉय द फूड, एंजॉय द, अरे हमको प्रसाद का सेवन करना है, वी हैव टू ऑनर प्रसाद, वी हैव टू सर्व प्रसाद, वी हैव टू सर्व एवरीथिंग, सर्व कृष्णा। आप कैसे कह सकते हो एंजॉय करना है, ये गड़बड़ी इधर ये कि हमारे अंदर एंजॉयिंग टेंडेंसी है, सारी गड़बड़ी वो पैदा करी है। जिस दिन साधु संघ कथा सुनते जाप करते भाव में परिवर्तन आ गया, मुझे रात दिन सेवा करनी, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे और मैं उनका हूँ, इससे उसके अलावा मुझे किसी की सेवा नहीं करनी। और इस शरीर से अगर हम कोई भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो है नाम के द्वारा, और गुरु की आज्ञा मान की सेवा कर सकते, गुरु की आज्ञा मान से। गुरु क्या क्या है, क्यों आए संसार में, हमें कथा सुना के नाम में प्रवृत्त करने के लिए आए हैं। जब जी भजनानंदी हो जाता है तो गुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि एक बंदे को मैं तारने में सार्थक हो गया, मेरा गोलोक धाम से आना सार्थक गया, कि एक बंदे को मैं भगवान के चरणों में ले गया। अगर जी भजनानंदी बन ही तक भजन ही नहीं करेगा तो गुरु कैसे तारेगा। भैया पेपर में कुछ तो लिखना पड़ेगा, कृपा ग्रेस मार्क के लिए, खाली पेपर में तो नहीं मिलना, भजन ही नहीं करोगे या नाम के बल पे अपराध करोगे तो कैसे तरोगे, ये तो भयंकर अपराध हो रहा है। तो मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूप भूख नित्य नए बढ़ती रहे, भूख और बढ़े और कथा सुनने की, और विश्व की आशारूपी दुर्बलता मिट जाए, यानी संसार में प्रवृत्त होने की और भोगने की इच्छा खत्म हो जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शंकरादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत ही क्या है, किसका मत है, शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शंकरादि और नारद, इन सब का मत क्या है, कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, यानी हरि भक्ति, प्रभु के प्रति प्रेम, इन सब का मत है। हमको भी यही मत फॉलो करना है, प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न करनी है, बगैर प्रेम के प्रभु हमारे वश में होने वाले नहीं है, प्रभु पिघलेंगे नहीं अगर उनके हम उनके प्रति प्रेम नहीं करेंगे। तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, जितनी आप ज्यादा कथा सुनोगे, जितने आप नाम में डूबोगे, उतनी आप प्रेम, आपका हृदय कोमल होगा और आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। भाई एक लकड़ी को ले लो, कितनी कठोर होती है, उस लकड़ी को आप एक हफ्ता जल में डुबोए रखो,
देखो लकड़ी की क्या करने, कितनी कोमल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। एक हफ्ता निरंतर पानी में रखा, उसका बाहर नहीं निकाला। उसी प्रकार कथा में मग्न होने, वी हैव टू गेट अब्सॉर्ब, मग्न होना पड़ेगा। नाम को जब ज्यादा कथा पढ़ोगे, अधिक नाम करोगे, तभी तो उसमें मग्न होगे, डूबोगे। तभी जब मग्न होगे तो सात्विक अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं जाप करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ये सात्विक अहंकार खत्म होएगा। नहीं तो अपने अंदर जब तक गुण दिखाई देगा उसका अहंकार रहता ही रहता है। तो दैट अब्सॉर्प्शन, मग्न होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तब हृदय पिघलता है, तब प्रेम उत्पन्न होता है, तब प्रभु की प्राप्ति होगी। बगैर अब्सॉर्ब हुए, मग्न हुए, प्रभु की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए के पेट पर भले ही बाल उगावे, यह असंभव चीज हो सकती है। बांस का पुत्र भले ही किसी को मार, बांस हो तो समझो कब बच्चा ही नहीं, तभी तो बांस। मान लो वो हो जाए, असंभव भी संभव हो सकता है। आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। हरि से विमुख होके हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। मृत तृष्णा के जल को पीने से भले प्यास बुझ जाए। मृत तृष्णा जो सामने जल दिखाई देता, गर्मी में दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, रोड पे दिखाई देता है, गीली है, जल है लेकिन वो एक्चुअली सूरज की रिफ्लेक्शन होती है, हमें जल होता नहीं है। मान लो उसमें प्यास बुझ जाए। खरगोश के सिर पर भले सींग निकल आए, भोग बाकी होते नहीं उसके सिर में सींग। अंधकार भले सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जी सुख से सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, क्या जल को मथने से घी उत्पन्न होता है, मान लो हो सकता है। और बालू को पहने से भले ही तेल निकल आए, रेती को मिट्टी को पेलो तो मिट्टी निकल आए, ये भी असंभव है। परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समूह से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है, अटल। मकी हरि भजन करना पड़ेगा, हरि नाम करना पड़ेगा, अगर हम भव सागर से तरना चाहते हैं। भगवान गुरु हमें भजन नंदी बनाने, प्रेम प्रदान करने, भक्ति देने, कथा हमें पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म बनाने के लिए नहीं कहा गया। निंदा करो, तुमको अधिकार किसने दिया, पॉलिटिक्स प्ले करो या ग्रुपिज्म करो, ये सब हमें नहीं करना है। हमें केवल और केवल भजन करके प्रेम में मग्न होना है। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं, जो असंभव भी संभव हो सकता है। आप प्रभु ही कर सकते हैं। मूर्ख को ऊपर ले सकते हैं और जिसके अंदर अभिमान होता है उसको नीचे पटक सकते हैं। कब क्या करे कुछ नहीं पता, इससे प्रभु जो स्थिति में रहे रखे उस पर रहना चाहिए। भजन करते जाओ तो प्रभु संभाल लेंगे आपको। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्ट संसार सागर को सहज ही पार कर जाते। वट इज भरी भजन, चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्ण इज भजन। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण के नाम का जप करना ही भक्ति है। तो यानी जितना हरि नाम करोगे भी आप भक्ति करो, प्रभु के गुणगान करना, प्रभु का कीर्तन नाम जप करना ही भक्ति, दूसरी भक्ति की कोई परिभाषा नहीं है। और वो भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं हरि नाम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, वो एक कर्म हो जाता है, वो भक्ति नहीं होती। भगवान प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु के चेहरे प्रसन्नता आती, नितिन प्रभु प्रसन्न होते हैं हरि नाम सुनने से। मैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहता हूँ, इससे मैं रात दिन नाम जप करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके चेहरे पे उदासी आए, और इससे क्या कर मैं माया से बच जाऊंगा, अपराधों से बच जाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूस चैंटिंग रहेगी तो कहाँ मुझसे अपराध होने वाले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अंतकरण शुद्ध होगा और एक दिन शुद्ध नाम भी प्रकाशित हो जाएगा। इसके पहले जप करिए।
हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चित्र आपके बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। हे सर्पों के शत्रु गुरुजी, श्रुतियों के यही सिद्धांत है, सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना, क्योंकि खाना पीना सोना परिश्रम करना ये सब ठीक है एक लिमिट तक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है भजन करना। हमारे पास टाइम सोशलाइजिंग के लिए है, हमारे पास टाइम फ्रेंड्स को जाना, पिकनिक्स जाना, रिश्तेदारों के पास जाना, टीवी देखना, सारे गलत काम, फोन पे लगे रहना, सब चीज के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन ऑफिस के लिए टाइम है, लेकिन हरि भजन के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमने इसको कभी प्रायोरिटी दी नहीं, उसका महत्व समझा नहीं। किस चीज के लिए हम समय निकालते हैं बोलो? रोटी के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए समय निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए निकालते हैं, फैमिली के लिए निकालते हैं। हम जिसके अंश हैं, ये फैमिली टेम्पररी, वाइफ बच्चे टेम्पररी फैमिली है, ये रियल फैमिली हमारी नहीं है। ये कर्मानुसार आए, सब कर्मों से बिछड़ जाएंगे। हमारे रियल फैमिली कृष्ण है, राधा रानी है, उसकी हमको सेवा करनी, उसको अपना मानना है। हम लोग क्या मूर्खों की तरह उसकी सेवा छोड़ के सबकी सेवा कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट। मैं ये कहता हूँ कि इनकी सेवा छोड़ दो, ठीक है करो लेवल, देखिए भगवान के तो भूलो मत, उसकी सेवा तो करनी है रात दिन। उसकी सेवा किए बगैर कैसे संसार से तरोगे? कृष्ण और उनका जो परिवार है, दियर रियल फैमिली हमारी, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो कहते श्रुते कि सब काम बुलाकर श्री राम जी का भजन कर, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हरि भजन। ये मानस का सत्य कह रहा है, यहाँ शंकर जी पार्वती को सब वो कह रहे हैं, प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसका सेवन नहीं भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। ये कौन कह रहे हैं? काकभूषुंडी कह रहे कि आपने मुझसे राम कथा पूछी है, तो आप मुझ पर कृपा करने आए हैं। अगर आप मूर्ख होते तो संसार की बातें करते, राम कथा नहीं पूछते। आप मुझे अगर राम कथा पूछते तो आप बुद्धिमान हो, और आप तो प्रभु के वाहन हो, तो आपको मेरे पास क्यों भेजा? मेरे को मान देने के लिए, बड़प्पन देने के लिए और कोई कारण नहीं है। कथा तो आपको कोई भी सुना सकता था, लेकिन मेरे पास भेजने का मतलब ये होता है कि मुझे मान देना, वो आप प्रभु की इच्छा है। अपने भक्तों को मान देते हैं, जी अभिमान ना करे, मैं अपनी विशेषता को, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये प्रभु मेरे मन को जबरदस्ती भजन में लगा रहे हैं, कथा में लगा रहे हैं, मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, वो उनकी केवल कृपा है, बाकी मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, शंकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर अथवा पल भर का एक बार कभी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, आपने हृदय विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अर्थात प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया, मैं जगत को पवित्र करने वाला बन गया, मेरे भी क्या लायक थी? बस यही है, आप नाम जप करते, नाम सेवा, कथा सेवा करिए, प्रभु को जो काम आपके शरीर से करवाना है वो कराएंगे, आप नहीं करो, प्रभु आपको माध्यम बना के अपना काम करवा रहे हैं, उनकी कृपा अनुकंपा चल रही है, तभी आपके अंदर पावर है किसी के हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने की, किसी से भजन कराने की। नहीं तो अपने आप ही कोई किसी की बात सुनता नहीं, जब तक वह प्रभु की कृपा का पात्र, एम्पावरमेंट जो आ रही है वो भगवान से आ रही। कहीं जीव अहंकार कर ले और अपनी विशेषता माले, वो कृपा हट जाएगी, वो एम्पावरमेंट हट जाएगी और आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे, जैसे अर्जुन हो गए थे जब वो द्वारका से तो भगवान की पत्नी को ला रहे थे, तो साधन कोल भीलों ने उनको पराजय कर दिया। तब अर्जुन को लगा ये वही गांडीवधारी धनुष जिसने शिव जी को, विश्व पितामह को, सब बड़े महारथी को जीता, लेकिन आज मैं साधन कोल भीलों से हार गया। क्यों? मैं वही अर्जुन, वही गांडीव, क्योंकि आज कृष्ण ने उनकी कृपा हट गई है। तो जो कुछ इंसान के हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं वो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, उनके एम्पावरमेंट से होते हैं। प्रभु अपने भक्तों से जिसे अपना मानते हैं उनके शरीर से वो काम करवाते हैं, इस पर भक्ति अपनी कोई विशेषता नहीं होती, और कार्य के बाद उस कृपा को हटा लेते हैं। यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य अत्यंत धन्य हूँ,
जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छुपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुषुण जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा, उनकी मुझ पर कृपा होने उनकी परम को मिलता है, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अर्थ पक्षीराज गुरु जी, मैं श्री गोविंद रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता नहीं रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मप्राण पंडित अविज्ञानी, यह कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन के बिना नहीं कर सकता। यानी आप चाहे योगी बनो तपस्वी बनो ज्ञानी बनो धर्म प्राण पंडित बनो, लेकिन आपको हरि भजन करना पड़ेगा तरने के लिए, बगैर हरि भजन के आप तर नहीं सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न। ये आशीर्वाद दिया है, जिनका नाम भव रोग से तारता है और तीनों प्रकार के कष्ट आदि देविक आदि आदि आध्यात्मिक तीनों दुखों को हरण करता है, वे कृपालु मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे, ये आशीर्वाद दिया गया है। भूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देकर संदेश से भली भांति छू गुरु जी प्रेम से वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस पे सनवे आपकी वाणी सुनकर मैं कर करते होगा, श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोरूपी समुद्र में डूबते हुए मेले आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम दुखी कर दी सुखी कर दिया, मुझसे उसका प्रत्युपकार उपकार बदले में उपकार नहीं हो सकता, मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है, संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवि ने कहा है, परंतु उन्हें अस्ति बात कहना नहीं जाना कि क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों को के दुख से पिघल जाते हैं। तो यानी संतों का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल होता है, मक्खन को जब गर्माश पिघलती तो पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानने का शिव जी कहते हैं। हे उमा, पक्षी से गुरु जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुषुण जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके देर बुद्धि गुरु जी तब वैकुंठ चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। संत समागम में क्या होता है? प्रभु की लीला का गुणगान किया जाता है, प्रभु के नाम का कीर्तन और लीला का गुणगान, वही संत। सत्संग की परिभाषा पढ़ चुके हैं, आदि मध्य और अंत में केवल भगवान की चर्चा हो, हरि चर्चा हो, अपनी व्यक्तिगत जय जयकार नहीं होनी चाहिए इंसान की। लोग भगवान की आड़ में अपनी व्यक्ति का जय जयकार करते हैं, वो सत्संग नहीं है, उसको त्याग दो। और सत्संग का फल क्या है? भगवान में प्रीति और नाम में रुचि, जिसके संग करने से भगवान में प्रीति और नाम में रुचि हो रही है तो, और आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है,
तो समझो आप सही जगह पे गए हो। अगर भगवान में प्रीति नहीं बढ़ रही, नाम में रुचि नहीं हो रही, प्रश्नों का समाधान नहीं हो रहा, तो बंदा सही नहीं है, उसका त्याग करने में कोई दोष नहीं है। मैंने या तो कहते वसंत समी हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मैंने वह परम पवित्र इतिहास कहा जिससे कान सुनते ही भावपाश संसार के बंधन छूट जाते और शरण गतों को उनके अनुसार फल देने वाला कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, हम तीर्थ करें, साधन करें, योग करें, वैराग्य की उत्पत्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति करें, अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ पक्ष और प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि के भक्ति है। यानी सब साधनों का फल प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न है, उनकी भक्ति है। अगर हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं और कथा सुनने के और जप करने से प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, भक्ति बढ़ रही है, तो समझो हम सही पथ पे चल रहे हैं, हम निरोगी हैं। अगर हम जब कथा सुनने की लालसा जप करने की लालसा कम हो रही तो हमारा मन रोगी होता जा रहा है। किंतु श्रुतियों में गाय भी श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी कृपा बिना किसी एक विरले नहीं पाई, कोई विरला ही है जो उसे पा सकता है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनती हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो कथा निरंतर कब तक चलनी चाहिए? जब तक भगवान की अनुभूति न हो जाए, और उसके बाद भी जो मुक्त भी हो जाते तब भी कथा चलनी चाहिए, क्योंकि कथा प्रेम उत्पन्न करती है और नाम जप चलना चाहिए। वैदिक मंत्र जप करने से मुक्ति मिलती है, नाम प्रेम प्रदान करता है, इससे वैदिक मंत्रों से भी श्रेष्ठ नाम है। जिसका मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, वही गुणी और वही ज्ञानी है। यानी प्रभु को जान दिया और क्या जानना बाकी रह गया? उसने सब कुछ जान लिया। हम गीता क्यों पढ़ते हैं, ब्रह्मांड क्यों, भागवत क्यों पढ़ते हैं? प्रभु को जानने के लिए। प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया तो प्रभु आपकी कृपा से सारे रहस्य स्वयं खोल देंगे। तो बस प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है और कुछ। जब आप अपने प्रेमी के आगे तो दिल की बात खोलते हो, किसी पराये के आगे थोड़ी खोलते हो। जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा केवल पहचाने का, थोड़ी आप दिल की बात करोगे। एक प्रेमी से हृदय की बात करोगे, उसी प्रकार प्रेमी के आगे ही भगवान अपने रहस्य को खोलते हैं। जिनका मन श्री राम जी का वही सर्व सबको जाने, वही गुणी और वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मप्राण और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जानता है जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव धर्म का पालन करते हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टिकता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में वही होती है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। इसलिए प्रभु के भजन के लिए, साधु संघ के लिए समय में ढूंढो। जिस घड़ी प्रभु का भजन हो, जिस घड़ी सत्संग मिले उस वक्त कर लो, वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाती है। जिस घड़ी कथा न मिले, जिस घड़ी प्रभु को भूल जाए, नाम जप जपे, वो घड़ी अशुभ है। और वही जन्म धन्य है जिसपे ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, यानी भक्तों के प्रति वैष्णव के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वैष्णव के प्रति प्रीति ही कथा का अधिकारी बनाती हमको। हे सुनो उमा, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर प्राण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। मैंने अपनी
बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यद्यपि पहले इसको छुपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। कि कथा सुनने की लालसा प्रेम, बस तब कथा सुन जब लालसा हो। देखो आपको कुछ नहीं आता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लालसा होना इम्पोर्टेंट। अगर कथा सुनने की रुचि नहीं तब सुनाना वो अपराध होता है। जो सुनना ही चाहता उसको मत सुनाओ, क्यों जबरदस्ती सुनाना, वो अपराध क्यों कर रहे हो। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हो, नहीं अपने आप को बहुत चलाक समझते हो, हठी स्वभाव के। जो भी आप बोलो मैंने चेंज नहीं होना, मैं तो वैसे ही रहना चाहिए, आप जितना मर्जी बोलो जो मर्जी कथा कर लो मैंने परिवर्तित नहीं होना। जब आपने मानना ही नहीं आपकी कमियों को, परिवर्तन होना ही नहीं है, फिर क्यों टाइम वेस्ट करे कथा सुनाने को। उसको कथा से जो सरल होता है, जो परिवर्तन होना चाहता है, जो भक्त बनना चाहता है, उसको सुनाई जाती है। हठी स्वभाव वाले को थोड़ी, जो मैंने नहीं होना जो मर्जी करो। और श्री हरि की लीला को मन लगा कर ना सुनते हो, कथा में बैठे हैं लेकिन मन सब जगह है, तो क्यों टाइम वेस्ट करो, ये अपराध है। अगर हम बैठे और कथा न सुनते बहुत बड़ा अपराध है। इसे कहते कथा में बैठना भक्ति नहीं, कथा में प्रेम होना भक्ति है। लोभी क्रोधी और कामी को जो चाचा का श्री राम जी को नहीं बचते वह कथा नहीं कहनी चाहिए। हाँ अगर कोई याचना करता मुझे सुना दो, तो फिर सुनाते सुनते सुनते उसके ये बुराइयां दूर हो जाती हैं। ब्राह्मणों के द्रोही यदि वो देवरा इंद्र के समान ऐश्वर्य राजा भी हो तो भी कथा कभी ना सुना चाहिए। जो वैष्णव से वैर करता विरोध करता भक्तों से, तो उनको क्यों कथा सुनानी चाहिए भैया, क्योंकि भक्ति तो कथा सुना, जो वैर करोगे तो उसको अधिकार ही नहीं है। श्री राम जी की कथा के अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो, जिनको सत्संग अच्छा लगता हो, लोगों को सत्संग के आड़ में मनोरंजन चाहिए, जोक्स होने चाहिए, हंसी कराना चाहिए, इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, गुड़ कथा नहीं चाहिए, प्रेम बुद्धि पे प्रहार नहीं चाहते कि बुद्धि पे प्रहार हो। जो असली होते हैं वो बुद्धि पे प्रहार करेंगे, वो आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, वो भगवान की कथा करने आए हैं, प्रेम प्रदान करने हैं। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति प्रायण और ब्राह्मणों के सेव, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो कथा बहुत ही सुख देने वाली, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पर चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्व आपे कान रूपी दोने से पिए, कथा कान से पी जाती है। हे गिरजे मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संसति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते, कथा सुनने से हमारे मानस रोग खत्म हो जाते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, यानी 7 कांड जो है बाल कांड सूत्र कांड, ये 7 सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्रदान प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपने मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते अनुमोदन करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार करते, जैसे गाय के पैर खड्डा कितना छोटा है, यानी बड़ी आसानी से सहतर जाते हैं। याग मिलकर जी कहते सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ आपकी कृपा से आप मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख देन उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने राम उपासक है उनको तो उस राम कथा को समान के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है।
तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री रघुनाथ जी का स्मरण करना, श्री राम जी का गुणगाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। यानी बस कितना सिंपल है, हरी कथा सुनो, हरी कथा कीर्तन करो और नाम जप करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पतितों को पवित्र का जिनका महान प्रसिद्ध बाना ऐसे कवि वेद संत पुराण गाते हैं, रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पतित पावन करने वाला श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीद गज गजेंद्र और बहुत से दुष्टों का उन्होंने ही उद्धार उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खश्यप चंडाल आदि जो अत्यंत पाप वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र उन श्री राम जी को नमस्कार करता हूँ, यानी प्रभु के नाम से सभी पवित्र हो जाते हैं। कितने नीच से नीच भी इंसान होएगा, नाम जप के अंदर देवी गुण ब्राह्मणिकल क्वालिटी ले आते हैं और वो जगत गुरु भी बन सकते हैं नाम के प्रभाव से। हरिदास ठाकुर प्रमाण है हमारे, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का चित्र कहते सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पापर मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। आदि क्या जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण करता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर ले, 5 चौपाइयों को हृदय में धारण कर अर्थ समेत, तो उनके 5 प्रकार के विकार दूर थे। सारी रामायण की बातों दूर रही, केवल 5 चौपाइयां भी उसके 5 प्रकार के अविद्या को नष्ट कर सकती है। पर सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, उनके समान निष्काम निस्वार्थ करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मन बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। तो क्या मांगते हैं आप? बोलते भक्ति। कहते कौन सी भक्ति चाहिए? दशरथ जैसी भक्ति? कहते नहीं। हनुमान जैसी भक्ति नहीं, भरत जैसी भक्ति नहीं, जनक जैसी भक्ति नहीं। तो कैसी भक्ति चाहिए? कहते हैं जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, हर वक्त उसका चिंतन करता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, और लोभी को धन जैसे प्यार लगता है, धन प्यार हर वक्त धन को समेटने का प्रयास करता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। मैं रात दिन आपका चिंतन को जैसे कामी पुरुष करता है और धन को लोभ और समेटने का प्रयास कर, लोभी उसमें इतना पागल हो जाता है, उसी प्रकार मैं रात दिन आपका नाम जप करूं, इस प्रकार की भक्ति मुझे चाहिए। शेष कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कर्ण में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण कर सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। यहाँ पे हम विश्राम करते हैं, रामचरित मानस का यहाँ पे आज विश्राम हो गया है और हम कल से जगन्नाथ जी की महिमा पढ़ेंगे, रथ यात्रा का ग्रंथ का सेवन करेंगे, क्योंकि इस साल कोई पूरी जा नहीं सकता है क्योंकि ट्रेनें 30 जून तक बंद है, फ्लाइटें भी नहीं चल रही है और रथ यात्रा में बाहर वालों को पार्टिसिपेशन भी बंद की हुई है, तो हम उसका रस आस्वादन करेंगे कल से सेम समय 9:30 बजे। विनती है सब आ जाना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में हम पढ़ेंगे, रथ यात्रा का अर्थ क्या, वो कैसे प्रारंभ हुई,
उसकी महिमा क्या है, उसके भाव क्या है, महाप्रभु चैतन्य चैतामृत के अंदर उसके क्या भाव दिए हैं, उसके आधार पे हम कल से रथ यात्रा गण का सेवन करेंगे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।